महेंद्रगढ़ में पंचायत समिति के प्रधान और उपप्रधान के लिए आज चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव को निर्विरोध संपन्न करवाने और भाजपा के पक्ष का प्रधान और उपप्रधान बनाने की कोशिश में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और अन्य भाजपा नेताओं ने पूरा जोर लगाया था, जिसके फलस्वरूप सुबह ठीक 11 बजे रामविलास शर्मा एक बस में अपने समर्थित सदस्यों को लेकर बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे और उन्होंने भाजपा समर्थित उम्मीदवार को प्रधान और उपप्रधान बनाया। जी की सबसे मेन बात यह आज के चुनाव में हमारी इच्छा थी कि निर्विरोध चुनाव हो जाए, लेकिन कुछ साथियों ने इनमें थोड़ी सी अड़चन डाली। लेकिन शुरू से ही विजय लक्ष्मी चेयरमैन की उम्मीदवार और शिवानी वाइस चेयरमैन की उम्मीदवार, और आपने देखा होगा कि चेयरमैन को 25 और वाइस चेयरमैन को 24, टोटल 29 वोटों में से 25 और 24 का जो संख्या रही, ये अपने आप में एक मिसाल है, आप इसको अनपोज भी कह सकते हैं। और इसमें सभी साथियों ने बहुत ईमानदारी से, निष्ठा से इस चुनाव अभियान में अपनी मदद की। हमने सब साथियों का तहे दिल से धन्यवाद किया है और आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ। कैथल में पूरे जिले से चुने हुए सरपंच लघु सचिवालय में इकट्ठा हुए और रोष मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ने विधायकों के बहकावे में आकर सरपंचों की पावर खत्म कर दी है और पंचायतों के काम अब ई टेंडरिंग के जरिए करवा रही है। इस प्रणाली से जो भी विकास कार्य होंगे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। आज जो ये सरपंचों के साथ अन्याय हो रखा है ना, ई टेंडरिंग के खिलाफ हम सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के सरपंच साथी इकट्ठे हुए हैं। डीसी साहिबा के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम, इसका हम विरोध करते हैं। और जब तक हमारे साथ ये अन्याय पूर्ण रवैया जो अपनाया गया है इसको नहीं हटाएंगे, तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वजह क्या है, ट्रेंडिंग का विरोध क्यों है? विरोध आपने पहले भी देखे है, जो ई टेंडरिंग के तहत काम होते हैं उसमें घटिया सामग्री का यूज होता है। जब से खेल मंत्री का महिला कोच के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, तब से हरियाणा में खेल मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज कैथल में अध्यापक संघ, कर्मचारी संगठन और छात्र संगठनों ने मिलकर लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया और रोष मार्च निकाला। खेल मंत्री संदीप सिंह का पुतला जलाया, जिसके ऊपर भाजपा राज कर रही है, जिन्होंने पानीपत से सेम नारा दिया सावित्रीबाई फुले वाले भी, हम लोग बेटियों को बचाएंगे भी, बेटियों को भी पढ़ाएंगे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, उनके नुमाइंदे, उनके राज करने वाले लोग ही बेटियों का शोषण कर रहे हैं। ये कोई आज की नई बात नहीं है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी के लोगों ने महिलाओं के साथ शोषण किया, उनके जो मंत्री हैं उन्होंने महिलाओं के साथ शोषण किया। नए साल का दिन ही लगा लो, वहां पर भाजपा का नया नया किसी एरिया का सह संयोजक चुना गया और नए साल वाले दिन वो आदमी क्या करता है, अपनी गाड़ी लेकर के सड़क पे निकलता है और वहां पर एक स्कूटी लेकर लड़की जा रही होती है, उसने इंसानियत तो कहां दिखानी थी भी लड़की को, वो साइड दे दे। पलवल में पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या करने वाले 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके गहनता से पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से बरामदगी भी की जाएगी। ये 26/5/2022 को नरेंद्र सरोप भरत ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, उसने बताया कि वो खेती बाड़ी का काम करता है तथा उस दिन उसके पिताजी और उसका छोटा भाई खेत पर गए थे, जहां पर ललती नाम के आरोपी का उनके पास एक फ़ोन आया और उनसे फ़ोन पर ही गाली गलौच व उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस पर इन्होंने एक 112 पर कॉल करके शिकायत भी दी थी। इसी दौरान वो बाद में ये वहां जा पहुंचा। इसके साथ दो अन्य आरोपी, एक का नाम सुमित तथा सुंदर था, वो भी वहां पहुंच गए। इन्होंने जाते ही सुमित को गोली मार दी और उसके पिताजी को भी गोली लगी तथा नरेंद्र वहां से भाग निकला। इस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं पलवल सीआईए पुलिस की टीम ने हत्या के मामले में गिरफ्तार किए दो आरोपियों को 4 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से रिमांड अवधि के दौरान वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी भी बरामद कर ली है। इसे वारदात में प्रयोग हुई बुलेरो गाड़ी जी बरामद की है और घटनास्थल की निशानदेही की है जी, और आज इनका 3 दिन का पुलिस हिरासत में रिमांड लिया था जो आज ख़त्म हो रहा है, उसके बाद इनको आज अदालत में पेश किया जाए। तीसरा जो आरोपी था सुनील, उसकी कोई पता लग पाया कि कहाँ? सुनील अभी
पुलिस गिरफ्त से बाहर है, वो भागा हुआ है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार करें। किस लिए मर्डर किया था इन्होंने, क्या कारण था उसका? इनका आपस में जमीनी विवाद, जमीनी केस अपने नाना से अदालत में चला हुआ था। सत्य सटीक बेबाक